लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मेरठ के भी एक कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़ने की खबर से बवाल मच गया है। रविवार शाम मेरठ के एक कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़े जाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो को लेकर कई तरीके की बातें होने लगी। इसके बाद मामला सामने आया कि लखनऊ के लुलू मॉल की तरह ही गढ़ रोड स्थित सोहराब गेट बस स्टेशन के पास S2S² कॉम्प्लेक्स में खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस में खलबली मच गई। मामले को लेकर CEO दिवेश सिंह ने बताया कि नौचंदी थाना प्रभारी को मौके पर भेजा गया था। वीडियो कब का है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले एक दुकान में काम चल रहा था, किसी कर्मचारी ने वहां नमाज पढ़ ली होगी। वो कौन था और मामला कब का है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, जिस समय व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था उसी वक्त किसी ने ये वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक दिन पुराना है। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के अफसरों से शिकायत की है। यही नहीं, हिंदू जागरण मंच के सचिन सिरोही ने मेरठ के S2S कॉम्प्लेक्स में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बता दें, सचिन सिरोही को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन अब मेरठ के मामले ने सुर्खियां बटोर ली है। अब देखना है मामले में आगे क्या कुछ होता है।